प्लम्बर का काम फिटिंग होगा, और जैसे वेस्टेज पाइप के लिए जिसे ड्रेन पाइप कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा दोस्तों। तो आइए हम पूरी छत वायरिंग की वीडियो आपको दिखाते हैं। वैसे वीडियो तो नहीं बना पाए हैं पूरा, क्योंकि नाइट में काम हुआ है। जो भी वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। आइए हम आपको, तो दोस्तों ये कुछ सामान है, ये देख लीजिए। ये 4 इंची 4 वे RG है, और ये बैंड है दोस्तों। ये 4 इंची बैंड है, 2 mm देख रहे हैं, 2 mm बैंड है, और ये भी 2 mm बैंड है, और ये 1 इंची बैंड है दोस्तों। और ये 2 वे है, RG 2 वे। और ये कॉन्सील बॉक्स देख रहे हैं, जिसमें छत लाइट लगाते हैं, सीलिंग लाइट जिसे बोलते हैं। और ये फैन बॉक्स है, सीलिंग फैन बॉक्स। और ये देख लीजिए दोस्तों, पूरे पाइप का बंडल है, और ये छत है पूरा, इस पर फिटिंग होगा। तो आइए दिखा देते हैं। तो दोस्तों और काम तो नाइट में हो चुका था, और ये देखिए, ये 4.5 इंची का पाइप है, ये देख रहे हैं। इसमें 1 इंची और 4.5 इंची का पाइप है दोस्तों। दोनों पाइप जहाँ पे मेन कनेक्शन होता है वहाँ पे 1 इंची देते हैं, जहाँ पे कम कनेक्शन होता है वो 4.5 इंची देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, कॉन्सील बॉक्स और फैन बॉक्स लगाने का तरीका। जो एक रूम में ये दुकान, आगे से दुकान रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिए, 4 कॉन्सील और बीच में एक फैन बॉक्स लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एक फैन बॉक्स लगेगा, तो 4 कॉन्सील और एक फैन बॉक्स लगाएंगे। और जितना भी जहाँ जहाँ पे पड़ेगा आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे एक वायरिंग होती है एक छत की, जिसमें 3 बेडरूम और एक हॉल, एक किचन, एक दुकान है। तो 2 रूम हो गया और एक दुकान है, वो जो रूम है आगे से। तो सबका वायरिंग दोस्तों अलग अलग तरीके से होता है दोस्तों। तो ये देखिए, सिर्फ फैन बॉक्स और कॉन्सील लगाने का तरीका है, कहाँ कहाँ रखेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाए। और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लेना चाहते हैं तो बेल आइकन का ज़रूर प्रेस कर दें ऑल पे, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। तो आइए देखिए ये वायरिंग।
दोस्तों ये देखिए फिटिंग हो चुका है और पाइप बांधने का काम चल रहा है। ये देख रहे हैं यहाँ पे पाइप बांधा जा रहा है और फैन बॉक्स बांधा जा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो कनेक्शन हुआ है दोस्तों, देख रहे हैं प्लम्बर का, तो यहाँ पे 4 इंच के लिए देख रहे हैं और 3 इंच के लिए जो पाइप लगाए हैं ये नीचे नीचे लेटरिन बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वेस्टेज पाइप के लिए ठीक है। और आइए एक और वेस्टेज दिखा दे रहे हैं यहाँ पे जो इधर पोखरी है, तालाब में इसका पानी जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नीचे मोटर है, जो मोटर दिखा देते हैं आपको, मोटर है, इसका भी कनेक्शन आगे होगा, आगे खसका जाएगा ये। ठीक है, तो आइए हम आपको पूरी छत वायरिंग दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं मेन कनेक्शन दोस्तों, मेन कनेक्शन ये पाइप गया हुआ है रोड पे जो पोलिंग के लिए, और ये ऊपर दो पाइप ऊपर के लिए जो ऊपर डबल छत बनेगी उसके लिए। ये देख रहे हैं फैन चार पंचिंग, और यहाँ पे देख लीजिए मेन जो बाईपास अलाव होगा इधर सीढ़ी के लिए। तो एक लाइन में दोस्तों जितना भी मेन उतारे हैं, देख रहे हैं जितना भी कनेक्शन एक लाइन में मेन उतारे हैं, और यहाँ से पूरी एमसीबी बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जिसे कहते हैं, वो कनेक्शन फिट होगा दोस्तों। तो सही तरीक़ा से अगर पूरी छत वायरिंग करेंगे, एक तो पहले इसमें हम शुरू से वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों, तो नाइट में काम हुआ, एक छत ढलाई हुई है, तो इसमें जहाँ तक दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि ढलाई से लेके वायरिंग से लेके छत ढलाई तक पूरी वीडियो हम दिखाएंगे आपको। और ये देखिए ये आगे से मशीन लगाएंगे यहाँ पर, और ये पाइप देख लीजिए दोस्तों, पूरी जो भी पाइप लगाएं आप सीधे लगाएं। और ये देख रहे हैं पोलिंग का पाइप, और वहाँ पे ये पोल है, वहाँ से कनेक्शन आएगा। और ये देख रहे हैं फोर काउंसिल एक फैन बॉक्स, और ये लाइन उस साइड गया हुआ है दोस्तों, और ये देख रहे हैं कैसे कनेक्शन मिला हुआ है। तो ये देख लीजिए जो पाइप बांधने का काम है वो भी हो चुका है, अब ढलाई चालू है दोस्तों। तो पहले इसमें ढलाई का जो भी है हम पाइप ढकने का काम कर लेते हैं।
दोस्तों लमसम पूरी ढलाई हो चुकी है, पूरी ढलाई हो चुकी है। तो वीडियो कैसे लगे दोस्तों, अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों।